हेलो नमस्कार, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पूरन पोली का रेसिपी लेके आई हूँ। पूरन पोली सबका बहुत फेवरेट होता है और ये महाराष्ट्रीयन डिश है जो कि बहुत स्पेशली जो गणपति होता है वही समय में बहुत यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। यहाँ पर मैंने जो सारे इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो कहाँ से कुछ डाउट होता है तो वहाँ से देख लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पूरन पोली हम लोग गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो गेहूं के आटे में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और एक चम्मच भर का ऑयल डाला है। तो पहले ऑयल, सॉल्ट और गेहूं के आटे को हम लोग मिला देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें पानी हो और आपको अगर दूध चाहिए तो उसको डाल के हम लोग उसका आटा लगाएंगे, जैसे चपाती का आटा लगाता है ना वैसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। नॉर्मली कोई कोई लोग है तो होते हैं ये पूरन पोली को वो मैदे से बनाते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ गेहूं के आटे से बनाने से, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं होता है, सेम टेस्ट होता है। और गेहूं के आटे से आप बनाने से वो हेल्दी हो जाता है आपको, तो मैं प्रेफर करती हूँ गेहूं का बनाने के लिए। अगर आपको मैदा पसंद है तो आप थोड़ा सा मैदा मिला सकते हो आटे में। अगर 2 कप आटा ले रहे हो तो उसमें 1/4 कप का गेहूं मैदा मिला सकते हो, ठीक है। देखिए मिलाने के बाद ऐसे हाथ में ऐसे मुट्ठी भर का खींचिएगा, अगर एक गोला जैसा बनता है ना उसका मतलब है कि ये हमारा आटा बहुत अच्छे से बन गया है, तो ये खास्ता बन गया है। तो उसके बाद हम लोग आराम से उसको वाटर हो और मिल्क हो डाल के आप घून सकते हो। मैं नॉर्मली आटे को ना मिल्क के साथ ही घूनती हूँ, मिल्क हो गया नहीं तो ऐसे कोई बटर मिल्क का अगर पानी होगा वो सारा मैं डाल के करती हूँ, नहीं तो अगर पनीर किया होगा उसका भी पानी होता है ना वो सबको मैं यूज़ करती हूँ आटे घूनने में। तो आज मैं मिल्क डाल के उसको घून रही हूँ और ये मेरा स्किम मिल्क है तो काफ़ी पानी है, तो मैं उसको वैसे कैसे भी ख़त्म करना है करके ऐसे आटा घून के ख़त्म करती हूँ। ये देखिए मैंने कितना अच्छे से आटा लगा दिया उसका, जैसे चपाती का आटा होता है ना एग्जैक्टली वही आटा होता है। लगा के उसको ढक के मिनिमम 10-15 मिनट के लिए रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने चना दाल को 2-3 घंटा भिगो के रखा था। ये आपको तब तक भिगोना है जब तक चना दाल अच्छे से फूल जाए, ठीक है। आप कितना आवर मतलब 1 घंटा चाहिए 2 घंटा चाहिए ऐसा आप ही देख लीजिएगा। मैंने 3-4 घंटा उसको भिगोया था। फिर उसको मैंने एक कुकर में डाला है और थोड़ा सा पानी देकर मैं उसको सीटी लगाऊंगी। आप कुकर ऐसे पतीले में भी उसको बॉयल कर सकते हैं, बट मैं कुकर में कर रही हूँ क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, थोड़ा सा ही पानी दीजिएगा जिससे चना पानी में भिगो के रहे, बस उतना। उसके बाद आपको 1-2 विसल लगानी है फिर निकाल देनी है। यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ ड्राई स्पाइसेस लेंगे इसके लिए। तो ये तो है नटमेग पाउडर, मैंने नटमेग को पाउडर करके रखा है, तो पाउडर है तो लीजिए नहीं तो ऐसे कद्दूकस करके उसको ले लीजिए। ये है फेनल सौंफ का पाउडर, तो सौंफ जो होता है उसको मैंने ग्राइंड कर दिया है उसका पाउडर ले रही हूँ। और ये है इलायची, इलायची को भी मैंने कुछ 5-6 इलायची को पाउडर करके लिया है। और यहाँ पर मैंने जागरी ले रही हूँ, जागरी लगभग 1/2 कप है, आप आपके स्वाद के अनुसार लीजिएगा। ये इलायची पाउडर, फेनल पाउडर और ये है नटमेग पाउडर, ठीक है। और अभी एक छन्नी में हम लोग वो जो हमारा चना दाल को बॉईल किए थे उसको हम लोग निकाल देंगे। तो चना दाल को मैंने 2 सीटी लगाया था, आपको इतना पकाना है जब तक वो अच्छे से पक जाए, पानी नहीं करना है बस अच्छे से पक जाए। अगर आपको वैसे डर लगता है कुकर में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आप कटोरी में उसको बॉईल कर लीजिए, ठीक है। तो अभी एक फ्राइंग पैन में हम लोग थोड़ा सा घी लेंगे। घी हम लोग इसके लिए लेते हैं, वो ट्रेडिशनली घी यूज़ करते हैं और ऑयल से घी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो अभी हम लोग घी करेंगे। घी में हम लोग हमारा जागरी डाल लेंगे। देखिए अगर आपको जागरी नहीं लेना है तो अगर शुगर में भी करना है वो भी चलेगा, आप शुगर आपके टेस्ट के अनुसार डाल दीजिएगा। मैं आज जागरी से कर रही हूँ। तो जागरी को आपको घी में थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक जागरी आपका थोड़ा थोड़ा मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर हम लोग उसमें हमारा चना दाल को डाल देंगे, और तब तक चना दाल का पानी पूरा निकल जाए मतलब गया होगा अच्छे से।
और देखिए मैंने यहाँ पर चना दाल डाल दिया। चना दाल को कोई भी हमारा जो कोई भी मैसिंग वाला प्लेस होता है ना, उसमें आप थोड़ा सा उसको दबा दीजिए तो चना दाल टूट जाएगा, क्योंकि चना दाल बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। बस थोड़ा सा दबा देंगे तो वो दब जाता है, नहीं तो आप ऐसे करछी से भी ऐसे दबा देंगे तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको जो इजी लगता है वैसे कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रेस करने वाला चीज़ हो तो उससे कर सकते हैं वगैरह। थोड़ा सा फ्राई कर दीजिएगा, फिर सारे जो स्पाइसेस था ना हमारा वो भी मिक्स कर दीजिएगा। मैं फ़ोटो लेने के लिए भूल गई, मैंने उसको लास्ट में डाला था, जो हमारा इलायची पाउडर, नटमेग पाउडर और फेनल पाउडर था, सबको मिलाया था। फिर उसको गोला करके रख लीजिए। देखिए गोला आपको अगर छोटा छोटा गोला चाहिए, ये स्टफिंग के लिए है, तो अगर छोटा चाहिए तो छोटा कीजिए, बड़ा चाहिए तो बड़ा कीजिए। मुझे ना पूरा फुल फुल चाहिए और स्टफिंग अंदर, तो इसके लिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा गोला किया था। और यहाँ पर देखिए आटा को काफ़ी टाइम हो गया है रेस्ट करते समय, हम लोग बस उसको थोड़ा सा हाथ से फिर से मसल लेंगे और उसका फिर से हम लोग गोला बना लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा लंबा करके उसको गोला बना दिया। फिर उसको मैं कट कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसे कट करने से क्या होता है, सारे गोला आपका इक्वली हो जाता है। तो बस मैंने सारे आटा को आधे हिस्से में कट कर लिया, फिर आधे को मैं जितना आपको गोला चाहिए 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। देखिए फिलिंग कैसे करते हैं, मैं आपको 3-4 तरीका बताऊंगी आप कैसे फिलिंग कर सकते हैं। एक तो जैसे हम लोग आलू पराठा का, कोई भी जो स्टफ पराठा का जैसे फिलिंग करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 तरीके दिखा रही हूँ, आपको जो वाला इजी लगता है वैसे कर सकते हो। पहला वाला तो मैं एक गोला को अच्छे से मसल ली हाथ से, फिर उसका चपाती जैसे मैंने बना लिया, ठीक है? और फिर चपाती जैसा बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला नहीं, मीडियम साइज़ का मैंने बनाया। उसको पहले उंगलियों में से मैंने थोड़ा सा मार्क कर लिया साइड साइड हिस्सों में और दबा दबा के थोड़ा पतला कर दिया साइड में, और बीच में हमारा स्टफिंग रख लिया। और फिर सारे साइड में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगा दिया। पानी लगाने से क्या होगा, आपका जो साइड है ना बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं, ठीक है? ये एक है। वैसे मैं आपको 2-3 और तरीका बताऊँगी कैसे करते हैं, आपको जो ईजी लगता है आप वैसे ही कर सकते हैं। और बस ऐसे आटा चपाती को हम लोग जैसे बेलते हैं ना वैसे ही आपको बेलनी है। बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा, दबा के मत बेलिएगा, वो फट जाएगा। और जहाँ पर जो जो चना दाल अखा रहता है ना वहाँ से फट जाता है नॉर्मली, तो जहाँ से पटता है कोई यू नो टेंशन होने की कोई ज़रूरत है नहीं, उसमें तो थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, फिर आप हल्के हाथ से बेलिए। और वैसे ही आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला कर सकते हो तो कर सकते हो, मैं ज़्यादा पतला नॉर्मली नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्राई करने के टाइम पे टूट जाता है ज़्यादा पतला करो और आटा का हो स्पेशली, और तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मोटा रखती हूँ उसको। और देखिए यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया था, और ये है दूसरा तरीका कैसे उसको फिल करते हैं। मैंने हाथ से ही उसको फ्रेड करके अंदर डाला और सबको ऐसे डाल के थोड़ा सा मैस करके उसको बंद किया। इसमें मैंने पानी नहीं लगाया, ठीक है? तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं 3-4 का टाइप का बताऊँगी, आपको जो इजी लगा वैसा कर सकते हैं। और देखिए ये मेरा थर्ड वाला टेक्निक है। सीधा एक गोला को ले लीजिएगा, ऐसे हाथ से उसको फैला फैला के जैसे कटोरी जैसा होता है ना वैसा कीजिएगा, और साइड थोड़ा पतला रखिए और बीच वाला हिस्सा थोड़ा मोटा रख सकते हैं, और उसके अंदर हमारा जो स्टफिंग था वो डाल के हम लोग उसको बंद करेंगे। ये
ये इसके अंदर आप थोड़ा सा घी भी लगा सकते हो, बट मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम मैंने घी डाल के फ्राई किया था उसको, और ऐसे उसको बंद करनी है। सब उंगलियों से स्लो से प्रेस करेंगे ना तो आटा साइड से आकर ऊपर तक आ जाएगा और आप आराम से उसको बंद कर सकते हो। और इसीलिए आपको आटे को ज़्यादा सख्त नहीं बनानी है, पराठा के जैसा मतलब पूरी के जैसा उतना सख्त नहीं घुननी है, और चपाती का ही आपको डोव लगानी है, ठीक है। देखिए कितना आराम से बन गया, और इसको अभी हम लोग करेंगे बाद में। रन पोली को देख लेते हैं, पहले एक साइड से सेक गया है, और ये जो सेकना है आपका मीडियम टू हाई फ्लेम में ही कीजिएगा, लो मत कीजिएगा, ठीक है। और स्पेशली जब घी लगाते हो उसके बाद, देखिए एक साइड में हो गया, मैंने उसको पलटा और उसके ऊपर घी लगाया, फिर ये साइड को भी हम लोगों को थोड़ा सा सेकनी है घी साइड को, और आपको तब तक सेकनी है जब तक आपका पराठा है ना थोड़ा सा ब्राउन कलर का मार्क आ जाए, जैसे पराठा जब का फ्राई होता है तो कैसे मार्क आता है, वैसे मार्क आने तक आपको इसको फ्राई करना है बस पलट पलट के। और ये देखिए आपको ऐसे लाइट हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा के साइड साइड में पकानी है, जैसे कि कोई भी हिस्सा आपका कच्चा ना रहे, और फिर ऐसे थोड़ा ब्राउन कलर का आ जाए ना बस निकाल दीजिए, और इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए गरम गरम, बहुत मज़ा आता है खाने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग बाकी सारे पूरन पोली को फ्राई कर लेंगे, और वैसे आपको बना के रखने की ज़रूरत है नहीं, इसको फ्राई करते करते आप दूसरा बना भी सकते हैं, तो इजी है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, टफ है नहीं। और एक को सेकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक आपका दूसरा बेलना वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम लोग बनाते रहेंगे बाकी तक का, और बाकी इसको मैं निकाल के अभी आपको पेटिंग करके दिखाती हूँ और उसको तोड़ के दिखाती हूँ कैसे बना है। ये देखिए कैसे बना है, पूरा परफेक्टली लिखा है, कितना प्यारा सा पूरन पोली बना है। और आप जब घर में बनाते हो आपको जैसा चाहिए स्टफिंग आप वैसे बना सकते हो, और जितना चाहिए उतना स्टफिंग डाल डाल के भर भर के आप पूरन पोली बना सकते हो। तो बनाइए ऐसे पूरन पोली और एंजॉय कीजिए। और पूरन पोली सबसे अच्छा कम्बिनेशन जाता है बटर के साथ, घी के साथ, गरम गरम पूरन पोली को घी को डुबक डुबक के खाइएगा और बटर से खाइएगा, नहीं तो मीठी दही, ओ माई गुडनेस, बहुत बहुत प्यारा कम्बिनेशन होता है। और स्पेशली नहीं तो श्रीखंड होता है, श्रीखंड के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो बनाइए, खाइए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिए, तो जो सारे न्यू रेसिपीज आते हैं आप सारे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय, टेक केयर।